मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर से इस वीडियो में मैं अपने कुछ डेली रूटीन एंड डाइट के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि आप ज़रूर से अपना लाइफस्टाइल शेयर कीजिए, आप अपना डाइट शेयर कीजिए, आपने हेल्थ कैसे मेंटेन किया हुआ है आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड। ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आता रहता है मेरे पास, तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सुबह शुरू होती है मॉर्निंग 4:30 to 5 में मैं सुबह उठ जाती हूँ। सो ये मेरा रेगुलर रूटीन है। फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप इज़ ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। तो ये मेरा बिल्कुल डेली रूटीन है, पिछले बहुत सालों से, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 ईयर्स हो गए ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। देन आफ्टर दैट आई यूज टू डू माई डेली मॉर्निंग रूटीन। देन योगा, योगा एंड एक्सरसाइज इज़ अ डेली रूटीन। मतलब अगर कभी पॉसिबल नहीं भी हुआ तब भी मैं ट्राई करती हूँ 3 to 4 days per week मेरा एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो मैं फॉलो करूँ, वो रहता है। देन आफ्टर दैट गेटिंग रेडी फॉर माई सेंटर और बेटे को भी स्कूल के लिए रेडी करना, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट में लाइट रहता है, ज़्यादा हैवी नहीं, रोटी सब्जी नहीं खाती हूँ मैं। कभी ओट्स रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ओट्स एंड कभी दलिया, कभी मूसली ले लिया, तो इसी टाइप का एक लाइट सा डाइट लेके निकल जाती हूँ। देन आफ्टर दैट एट एन अराउंड 10-10:30 आई यूज टू हैव अ बिग बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट्स। तो दैट अगर मैं ब्रेकफास्ट ना भी करूं लेकिन वो बाउल मुझे ज़रूर चाहिए एट 10:30। फ्रूट्स ज़्यादा मुझे पसंद है ब्रेकफास्ट करने से, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं स्किप कर सकती हूँ लेकिन मैं फ्रूट्स कभी नहीं स्किप कर सकती। 1 बजे करीब 1-1:30 क्योंकि मुझे पिकअप करना होता है मेरे बेटे को, देन वापस आ जाते हैं। देन आई टेक माई लंच। लंच हैवी लेती हूँ मैं क्योंकि मुझे दिन भर का काम रहता है, शाम को 6 बजे तक और काम करना रहता है सेंटर में पेशेंट्स के साथ। देन उसके बाद कुछ नहीं लेना होता है डाइट में। इवनिंग को आके फिर एक मिक्स ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा, जैसे आप मान लीजिए 3 to 4 आलमंड्स, 2 वेलनट्स, 3 to 4 किशमिश, फिर कुछ बेरीज हो गए, ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी, तो इस तरह से इवनिंग स्नैक्स हो जाता है। देन एट नाइट आई प्रेफर हैविंग फ्यू वेजिटेबल्स विथ मशरूम और कभी पनीर और अलॉन्ग विथ दैट दाल। तो मोस्टली अनाज रात को अवॉइड करती हूँ, तो वेजिटेबल एंड दाल मोस्टली प्रोटीन, क्योंकि दाल इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ताकि हमारे प्रोटीन हम पूरा कर पाए दिन भर का। सो दिस इज़ माई होल डे रूटीन। और अबाउट चीट मील, चीट मील मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ 10 डेज में वन टाइम, कभी कभी वीकली हो जाता है, बट इन द मिड वीकली बीच में कभी नहीं, कभी अगर साल में 1-2 बार हो जाता हो तो मोस्टली संडेज को ही चीट मील रहता है। सो इसी तरह से स्ट्रिक्ट डाइट पे चलती हूँ, ऑल टाइम रनिंग पे रहती हूँ, रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हालांकि रेस्ट ज़रूरी होता है। तो दोपहर को खाना खाने के बाद सिटिंग में रेस्ट करती हूँ, तब भी मैं अपने टेबल टॉप में रहती हूँ फॉर डूइंग सम एडिटिंग एंड ऑल। सो सिटिंग में थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है दोपहर को। देन यही है मेरा होल डे डाइट रूटीन। तो इसी तरह से रेगुलर रूटीन चलता रहता है। इस रूटीन में मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ डाइट सही रहे एंड एंड एक्सरसाइजेस स्किप ना करूँ और पानी सही पीऊँ। पानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5, विंटर्स में 2.5 एंड समर्स में 3-3.5 ट्राई करती हूँ। सो इस तरह से कभी कभी तो स्किप हो जाता है लेकिन आई यूज टू ट्राई माई बेस्ट, हाँ मैं इसी रूटीन पे रहूँ। जब बाहर जाते हैं तब की बात अलग है, लेकिन मोस्टली जो डेली रूटीन है इसी से फॉलो करती हूँ। रेस्ट करना खूब कम होता है हाँ, लेकिन ये मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ मुझे 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे मिले, और 7 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। एंड सही पानी पिए, डाइट सही रखे एंड मूविंग रहे, बैठे ना बहुत देर तक एक जगह में, यही सारे टिप्स फॉलो करती हूँ। इसीलिए शायद वेट बिफोर मैरिज एंड आफ्टर डिलीवरी जितना था अभी 5 साल बाद भी उतना ही है। एंड आई थिंक अगर आप अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, वो चाहे आपका वेट के साइड से हो, इंटरनल हेल्थ हो,
आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना हेल्थ मेंटेन रख पाएंगे। आजकल मिडिल एज फ्रॉम 35 to 40 एज ग्रुप के जो लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा जॉइंट प्रॉब्लम होने लग गया है, उनको बहुत ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग गया है, और उसका कारण डायरेक्टली नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर ब्लड रूटीन भी करवाना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कमी आ रही हो आपको इस एज में, वो आप अपने मल्टीविटामिन कंज्यूम करके वो आप पूरा कर सके, प्रॉपर डाइट चेंज करके आप पूरा कर सके। आज इस वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।